हम खड़े स्टेशन चौक जाने वाले मार्ग पर हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो है राजधानी में किस प्रकार से गड्ढा खोद दिया गया, वही बिजली के वायर को अंडरग्राउंड करने के नाम से किस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ एक स्मार्ट सिटी तो बनाया जा रहा है लेकिन आम लोगों को किस प्रकार से परेशानी हो रही, करोड़ों रुपए लाखों रुपए की टेंडर दे करके गुजरात की कंपनी को जो है ठेका दिया गया है लेकिन उनका काम इस प्रकार से दिया गया है क्योंकि लोगों को आम परेशानी हो रही है। हम आपको बताना चाह रहे किस प्रकार से गड्ढा है, हम आपको ये ऐसे गड्ढा है कि आम लोग इसमें गिरकर भी शिकार हो रहे हैं और जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं अभी कुछ देर पहले एक आदमी इसी गड्ढे के पास से गिरते गिरते बचा और जान जोखिम में आ गया। तो हम यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है ईश्वर चक्रधारी से हम सीधे उनसे संवाद करते हैं कि इस गड्ढे की वजह से आम लोगों को किस प्रकार से परेशानी हो रही। तो ईश्वर चक्रधारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्या हो रहा है हम बात करते हैं। ये डेली डेढ़ महीने से गड्ढा खोद के रखे हुए हैं, अभी परसों ही डेली आदमी दो चार बार गिरता है, एक्सीडेंट होता है, जाम रहता है, डेढ़ महीने से परेशानी आने जाने के लिए समस्या हल हो रही। तो मतलब जितना भी काम किए करवा करके छोड़ दिए, उससे समस्याएं लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी कार्यक्रम हो जाए तो अच्छा है। तो ईश्वर चक्रधारी ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से इस प्रकार से गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम और बिजली विभाग के जो अधिकारी है इतने लापरवाही बरत रहे हैं कि आम लोगों को गड्ढे में छोड़ दिया गया है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो बारिश के मौसम में ये बराबर हो जाएगी और रोज़ के रोज़ जो है आदमी इस गड्ढे से परेशान होंगे। तो हम फिर ईश्वर चक्रधारी से बात करते हैं कि किस प्रकार से आम लोगों को समस्या और जूझना पड़ रहा है। दाऊलाल जी से बहुत ज़्यादा अमर गाड़ी रखने के लिए आने जाने की समस्या है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है लेट हो रहा है पहुंच नहीं पा रहा, ट्रेन छूट रही, किसी को अस्पताल जाना है वहाँ नहीं पहुंच पा रहे, बैंक जाना है वहाँ नहीं पहुंच पा रहे, मतलब बच्चे भी अगर जाते हैं किसी को बाजार लेके जाना है तो भीड़ में फंसे, दो दो घंटा तीन तीन घंटा जाम में फंसे रहते हैं। यानी इतनी समस्याएं हैं कि इसका कोई माई बाप नहीं, कोई देख रेख नहीं होने वाला है, गंदगी अलग पसरी पड़ी हुई है, आने जाने वाले गिर रहे हैं पूरे चारों तरफ से, बहुत समस्याएँ पड़ी हुई थी। तो ईश्वर चक्रधारी ने बताया कि आम लोगों को स्टेशन जाना होता है और रेलवे स्टेशन में इतनी मारा मारी लग रहता है स्टेशन में यात्रों को लेकर के, लेकिन जो है आम लोगों को किस प्रकार से परेशानी होने वाली रहता है। तो अब हम सीधा दाऊलाल जी से बात करते हैं जो स्थानीय निवासी है, कि दाऊलाल जी क्या परेशानी होगी उसको बताएंगे। परेशानी तो बहुत है, क्या है डेढ़ महीने से खुदा हुआ पड़ा हुआ है, इसमें स्टेशन से स्टेशन रोड शहर से बीचों बीच है और इसमें कि कोई प्लानिंग नहीं है लगता है, जो जिसको जो ठेकेदार होगा जो ठेका लिया होगा वो इसको समझ नहीं है कि छोड़कर चले गए, देखे गड्ढा पड़ा हुआ है कहीं कहीं क्यों रहे, इससे आम जनता को तो परेशानी है ही। अब मेन रोड के कारण ज़्यादा परेशानी है क्योंकि आवाजाही का है रोड है, राजधानी का है, बीचों बीच बना हुआ है, इस कारण क्या है इसको प्लानिंग से साथ और प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए ठेकेदार को, जिसको भी दिया है सरकार इसके पर्पज़ पे इसको एक्टिव होकर के काम करवाना चाहिए। और नहीं तो क्या है इससे क्या है आने जाने वालों को कभी भी दुर्घटना घटित हो सकता है, जो गड्ढा जिस प्रकार के पड़ा हुआ है उससे। तो स्थानीय निवासी दाऊलाल ने बताया कि नगर निगम और बिजली विभाग जो है गड्ढा दुर्घटना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार से गड्ढा को खोद दिया गया है। अभी हाल ही में बारिश आने वाली है और आम लोगों को परेशानी होगी, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती, कई बार गड्ढे में गिर जाते हैं, कई बार तो इतनी जाम लगी होती है कि समय पर ट्रेन भी नहीं मिल पाता और कई बार ट्रेन भी छूट जाती है। तो दाऊलाल जी का ऐसा कहना है कि, और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों बाद स्कूल खुल जाएगी तो उनके बच्चे आने जाने और बस को आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी, घंटों घंटों रोड में इस जाम लगा रहेगा। तो इस प्रकार से नगर निगम प्रशासन और बिजली विभाग कितने लापरवाह बरते हुए हैं। बने रहे glip.in के साथ, कैमरा मैन नागेश के साथ श्रवण यदू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glip.in।